हेलो फूडीज़, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज़ हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स डिलीशियस टेस्टी चॉकलेट केक। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर एक कटोरी रख दी है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके अंदर वायरिंग स्टैंड भी रख सकते हैं। और इसे हम लिड से कवर कर देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दें। और आप चाहें तो इसके नीचे नमक बिछाकर भी इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन वायरिंग स्टैंड लगाना ना भूलें। अब फ्रेंड्स मैंने ले लिया है एक बाउल और उसके ऊपर मैंने एक छलनी लगा दी है और ये मैं डाल रही हूँ उसमें एक कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर। आप घर की कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर लें फ्रेंड्स और उसी से सारे मेजरमेंट करें। और स्ट्रेनर लगाना ना भूलें फ्रेंड्स, इससे क्या होगा हमें नीचे फाइन मिक्सचर मिल जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छे से छान लेंगे और ऊपर जो भी गुठलियाँ रह जाएंगी फ्रेंड्स उन्हें आप हटा दें। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और ऊपर जो गुठलियाँ रह गई हैं उन्हें मैं हटा देती हूँ। अब हम दूसरा बाउल ले लेते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल फ्रेंड्स आपको ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी सुगंध आती हो। सरसों के तेल या मूंगफली के तेल का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, न्यूट्रल फ्लेवर वाले ऑयल का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दही। दही फ्रेंड्स आपको फ्रिज का निकला हुआ ठंडा दही का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और दही को फेंट कर ले लें फ्रेंड्स। और ये देखिए, और मैंने दही इसमें डाल दिया है। दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो, इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखें। दोनों चीज़ों को हमें क्रीमी टेक्सचर आने तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं विस्कर की मदद से इसे फेंटूंगी, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीमी टेक्सचर का मतलब ये है कि दही और तेल अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। ये मैंने कैस्टर शुगर का इस्तेमाल किया है, यानी दाना चीनी को मिक्सर में ग्राइंड करके अच्छे से छान लिया और उसके बाद इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बूरा चीनी या ब्राउन शुगर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स धीरे धीरे करके हम हमारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को वेट इन्ग्रीडियंट्स में मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं और इन्हें मैं 2 बैच में इसमें मिक्स करूँगी। पहले थोड़ा सा हम डाल देते हैं मिक्सचर और उसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाते वक्त फ्रेंड्स इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इसे टाइट हाथों से या जल्दी जल्दी मिक्स ना करें, आप इसे धीरे धीरे मिलाएं ताकि आपकी जो केक है वो ज़्यादा टाइट ना बने। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा जोर से मिलाने से आपकी केक भी टाइट बनेगी। और इसे हमेशा कट एंड फोल्ड के मेथड से आप मिक्स करें। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। अब हम दूसरे बैच का मिक्सर भी इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी फ्रेंड्स 1/2 ग्लास मिल्क, यानी आधा ग्लास दूध। दूध फ्रेंड्स कम या ज़्यादा लग सकता है, अगर दूध कम लगे तो आप थोड़े और दूध का इस्तेमाल कर लें। और कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे भी हम धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे। और हमें बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 1/2 गिलास दूध लिया था जिसमें से 1/4 दूध जो है वो बच गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं हमारा केक टिन और आज मैं इसे फ्रेंड्स हार्ट शेप में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने हार्ट शेप के केक टिन का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने बटर पेपर बिछा दिया था फ्रेंड्स ग्रीस करके। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसमें थोड़ा ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लें और एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दें और उसके बाद सारे मिक्सचर को डाल लें। और ये देखिए फ्रेंड मैंने सारा मिक्सचर इसमें डाल लिया है। और मिक्सचर डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से टैप करेंगे। टैप इसलिए करेंगे फ्रेंड्स ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स हों वो हट जाएं। अगर आप टैप नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो उसमें जो भी एयर बबल्स आएंगे केक बनने के बाद में वो ऊपर थोड़े छेद छेद से आपको केक के अंदर दिखाई देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने मिक्सचर डाल लिया है और इसे अब टैप भी कर लिया है। हमारा पैन भी पूरी तरह रेडी है, अब इसमें हम इसे रख देंगे। और आराम से रखें फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो आपके हाथों को लगे नहीं। इस तरीके से रखने के बाद मैं इसे लिड से कवर कर दूंगी और फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, पैन चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। बेकिंग टाइम फ्रेंड आपकी फ्लेम पर डिपेंड करेगा, वैसे 40 to 45 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आप उसे 5-10 मिनट और यानी 50 to 55 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो लिड में छेद है उसमें मैं एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड करके थोड़ा लगा दूंगी ताकि इसके अंदर की जो हीट है वो बाहर ना निकले। अगर आप एल्युमिनियम के पतीले में बना रहे हैं तो प्लेट को अच्छे से कवर कर दें ताकि अंदर की भाप कहीं से भी बाहर ना निकले। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम हमारे केक को चेक कर लेते हैं। मैं लिड को हटा देती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ शानदार, हमारा जो केक है वो देखिए कितना फूल चुका है। और मैं इसे टूथपिक से चेक कर रही हूँ तो ये देखिए बिल्कुल टूथपिक क्लियर निकल रही है। इसका मतलब परफेक्ट हमारा केक बेक हो चुका है। अब उसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आज हम इसके लिए चॉकलेट सिरप तैयार करेंगे क्योंकि हम इसमें किसी भी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 कप पाउडर्ड शुगर, 4 to 5 टीस्पून इसमें, यानी ये जो हमारी खाना खाने वाली चम्मच होती है वो भरकर मैं इसमें 5 चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सारे मिक्सचर को हम पहले सूखे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। और फ्रेंड्स, ये सारा काम आपको पहले नीचे ही पैन को रखे कर लेना है, यानी गैस पर रखे रखे नहीं करना है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के पूरा लिक्विड ही करने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए। इसका जो टेस्ट बनेगा ना फ्रेंड्स केक के फ्लेवर पर, आप हैरान रह जाएंगे कि बिना किसी चॉकलेट का यूज़ किए हुए, बिना व्हिपिंग क्रीम के इस्तेमाल के भी हमारी जो केक है वो इतनी शानदार बन सकती है। तो ये देखिए, सारे मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने हाई पे रखा है ताकि ये जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। और उसके बाद हमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स इसे बनाने में। 3 से 4 मिनट बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनके तैयार हो गया है। लगातार इसे हिलाते रहें। ये फ्रेंड्स, जब आप अपना स्पैटुला ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर इसकी एक कोटिंग बन जाएगी और जो लिक्विड है वो बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा होगा और धीरे धीरे नीचे गिरेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से ये बनेगा। और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें, उससे ज़्यादा इसे ना बनाएं। और अब वो ठंडा हो रहा है मिक्सर, तब तक हम हमारे केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये मैंने इसे केक टिन से निकाल लिया है। हम इसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं और ये मैंने एक थाली ले ली है, इसमें वायरिंग स्टैंड लगाया है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, बटर पेपर मैं हटा रही हूँ तो इसका टेक्सचर जो है वो देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना ही ये शानदार जालीदार बना है। वाओ, क्या इतना अच्छा दिखने वाला केक हम घर पे बना सकते हैं, हमें यकीन नहीं हुआ एक बार तो जब आप इसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके स्लाइस भी करके दिखाती हूँ क्योंकि आज मैं इसे डबल लेयर में बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं। और ये हमारा चॉकलेट का मिक्सचर भी पूरी तरह तैयार है, हल्का ठंडा हो चुका है। और ये देखिए, इसमें जालियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। जितनी ज़्यादा फ्रेंड्स केक में जालियाँ होती हैं उतना ही वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। तो चलिए इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सचर को इस पर डालेंगे और स्पैटुला की मदद से पूरे केक पर फैला देंगे। और जब हम इसकी फर्स्ट लेयर पर बिछा देंगे तब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर को रख लेंगे। इससे फ्रेंड्स जो चॉकलेटी फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही शानदार आता है और चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी लेयर को इसके ऊपर रख दिया है और सारे मिक्सचर को मैं धीरे धीरे करके इस पर डाल रही हूँ। इस स्टेज पर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका जो मिक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें हल्का सा दूध डाल के वापस गैस पर रख दें और उसे बैलेंस कर लें। ये देखिए, मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है और इसके नीचे थाली ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स क्योंकि ये काम थोड़ा मैसी होता है, क्योंकि सिरप जो है वो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे गिरेगा। तो आप भी मेरी तरह थाली का यूज़ ज़रूर करें। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए और तब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर आज हम क्या डेकोरेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा केक पूरी तरह ठंडा हो चुका है और इस पर देखिए कितना शाइनी टेक्सचर बना है। इस पर मैं थोड़े चॉकलेट फ्लेक्स लगा रही हूँ। आप नज़दीकी
शॉप पे जो भी 10 रुपए में या 20 रुपए में चॉकलेट मिलती है हमें डेयरी मिल्क वगैरह, उसको चाकू से काट के मेरी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैं इसमें कुछ सिल्वर बॉल्स मेरे पास पड़ी थी वो डेकोरेट कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और ये इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वेफर्स, तो ये फ्रेंड्स लगा कर और इसके ऊपर मैं रख दूँगी थोड़ी सी रेड चेरीज़। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार लुक आया है इन चेरीज़ की मदद से, केक का टेक्सचर ही चेंज हो गया है। और ये थोड़ा सा सिरप मेरे पास बच गया था फ्रेंड्स, इसे मैंने कोन में भर लिया है और इसे भी मैं केक के साइड में थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चॉकलेट डिलीशियस केक तैयार है और दिखने में लग रहा है ना बिल्कुल शानदार और बिल्कुल मार्केट स्टाइल। चलिए इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाएं। जिस तरीके से चाकू अंदर जा रहा है फ्रेंड्स, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी बना है। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे कट कर लिया, इसकी स्लाइस मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। आप प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बिना किसी व्हिपिंग क्रीम के, बिना चॉकलेट के हमने इसे डेकोरेट किया है और बनाया है, फिर भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स इन्जॉय कीजिए इस चॉकलेट केक को। टेक केयर एंड बाय बाय।